ये है हमारी फ्लिप फ्लॉप यूजिंग नैंड गेट एंड टीटीएल आईसीज। इसमें हम चार तरह के फ्लिप फ्लॉप कर सकते हैं, आरएस, डी, जेके और डी टाइप। ठीक है, इसके में चार लॉजिक इनपुट्स हैं, दो आउटपुट इंडिकेटर्स हैं, एक क्लॉक पल्सर है, आउटपुट 1 हर्ट्ज का। ये पावर सप्लाई है इसकी 5 वोल्ट डीसी की। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम आरएस फ्लिप फ्लॉप करते हैं। ठीक है, हम इसके कनेक्शंस करते हैं। कनेक्शंस के लिए ये इसकी मैनुअल में ये इसका टू टेबल है आरएस फ्लिप फ्लॉप का, जो हमने वेरीफाई करना है। इसके लिए हम प्रीसेट क्लियर एस और आर, ये प्रीसेट क्लियर एस और आर, और यहां से दो आउटपुट इंडिकेटर्स मिल रहे हैं। मैं इसके कनेक्शंस करता हूं। ये हमारे आरएस टाइप फ्लिप फ्लॉप के हमारे कनेक्शंस हो गए। उसके बाद हमने ये वाला टू टेबल वेरीफाई करना है, प्रीसेट को लो, क्लियर को हाई, क्लॉक हमारी अनडिफाइंड है, एस और आर भी हमारा अनडिफाइंड है। यह हमारा आ गया हाई और लो, ये हमारी पहली वाली फुलफिल हो गई। ऐसे ही हम इसका सेकंड लास्ट वाला कर लेते हैं। लास्ट वाला तो हमने यूज नहीं करा, नॉट टू बी यूज्ड, लास्ट वाला प्रीसेट हाई क्लियर हाई, प्रीसेट हाई क्लियर हाई, एस लो और आर को हाई। ठीक है, और हमने इसको क्लॉक पल्स दिया, क्लॉक पल्स दिया, ये हमारा आ गया लो और हाई, क्यू और क्यू बार, ये लो ये हाई। ठीक है, इस तरह से हमारा ये आरएस फ्लिप फ्लॉप हमारा जस्टिफाई हो गया। थैंक यू। ये है हमारा डी टाइप फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, इसमें हमने नॉट गेट के आउटपुट को आर से कनेक्ट किया है, बाकी कनेक्शंस हमारे लास्ट फ्लिप फ्लॉप की तरह ही है। अब हम इसका टू टेबल वेरीफाई करेंगे। हम इसकी पहली, ये इसका टू टेबल है, हम इसका पहले वाला करते हैं, प्रीसेट लो, प्रीसेट लो क्लियर हाई, क्लॉक अनडिफाइंड, डी अनडिफाइंड, हाई और लो, ये आपका हाई और लो आ गया। ठीक हो गया, अब हम इसकी लास्ट वाली कर लेते हैं, हाई हाई, उसके बाद लो लो, ये दोनों लो और क्लॉक पल्स, लो और हाई, हमारा ये डी टाइप फ्लिप फ्लॉप भी हमारा प्रूव हो गया। थैंक यू। अब हम करते हैं जेके फ्लिप फ्लॉप यूजिंग आईसी 7476। ठीक है, इसमें भी हमने कनेक्शंस करने हैं, ये प्रीसेट क्लियर जेके, ये चार इनपुट्स होगी, क्लॉक पल्सर को क्लॉक से जोड़ दिया, आउटपुट इंडिकेटर को आउटपुट से जोड़ दिया। ठीक है, उसका हमने ये वाला टू टेबल वेरीफाई करना है जेके फ्लिप फ्लॉप का। इसमें पहली कंडीशन हम वेरीफाई करते हैं, लो हाई, लो हाई। ठीक है, ये हमारी आ गई हाई लो, प्रूव हो गई। अब इसके हम लास्ट वाली कर लेते हैं, इस तरह की आप सारी भी कर सकते हैं। ठीक है, अब आपका हो गया प्रीसेट क्लियर हाई हाई और जेड के भी हाई हाई, और उसके बाद आपने क्लॉक पल्स देना है तो आपकी टॉगल करेगी। ये देखिए, मैं क्लॉक पल्स दे रहा हूं, ये टॉगल कर रही है। ठीक है, इस तरह आपका जेके फ्लिप फ्लॉप भी आपका जस्टिफाई हो गया। नाउ दिस इज डी टाइप फ्लिप फ्लॉप यूजिंग आईसी 7474। ठीक है, इसमें ये हमने इसके कनेक्शंस कर दिए, प्रीसेट क्लियर क्लॉक और डी। ठीक है, इसमें हम पहली इसकी जस्टिफाई करते हैं, लो और हाई, लो हाई, और बाकी कुछ भी हो अनडिफाइंड है तो ये आपकी हाई लो, ये फर्स्ट वाली कंडीशंस क्लियर होगी। अब लास्ट वाली करते हैं, हाई हाई और डी को लो रखा, क्लॉक दी तो ये आपकी आगे लो हाई। इस तरह ये आपका डी फ्लिप फ्लॉप यूजिंग 7474 भी आपका ओके हो गया। अब इसमें हम टी टाइप फ्लिप फ्लॉप भी कर सकते हैं। टी टाइप फ्लिप फ्लॉप के लिए हमने जो जेके फ्लिप फ्लॉप किया था 7476 से, इसमें जे और के को शॉर्ट करके सिंगल इनपुट बना लेंगे, वो एज अ टी टाइप फ्लिप फ्लॉप काम करेगा। थैंक यू।